नमस्कार, दोपहर वार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 22 कर्मचारी संगठन जुट गए हैं और इनकी ये मांग है कि इनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। नई पेंशन व्यवस्था में जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, उनका ये कहना है कि उसको ख़त्म करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इससे पहले 9 जुलाई को 2016 में केशव मौर्य जी ने यूपी सरकार को पेंशन बहाली के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी भी हम लोग के पास है। योगी आदित्यनाथ जी ने संसद सदस्य के तौर पर चिट्ठी लिखी थी 21/5/2013 को मनमोहन सिंह जी को। उसमें ये लिखा गया था कि आपसे अनुरोध है कि नई पेंशन व्यवस्था के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू रहने दिया जाए और इस अवधि में केंद्र तथा राज्य के कर्मचारियों के वेतन से काटी गई धनराशि उनके जीपीएफ खाते में ब्याज सहित जमा की जाए। ये लेटर है। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी ने एक पत्र लिखा था जो कि 6 जनवरी 2014 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने लिखा था कि विकास कार्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इनकी पेंशन व्यवस्था शीघ्र बहाल की जाए। केशव प्रसाद मौर्य जी का भी था। अब सवाल ये है कि पुरानी पेंशन की बहाली में क्या क्या अड़चनें हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या ये इतना छोटा मसला है कि सिर्फ और सिर्फ एक राज्य सरकार अपने स्तर से डिसाइड कर सकती है, जो कि नहीं कर सकती है। तो इसमें अड़चनें क्या हैं, इसलिए कि अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, एक कमेटी बना दी थी। अक्टूबर 2018 में कर्मचारी शिक्षक अधिकारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए योगी जी से मुलाकात की थी। उन्होंने अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसको 2 महीने में रिपोर्ट देना था और रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसले की बात कही गई। तो इसमें क्या कुछ हो सकता है और क्यों आखिर पेंशन पर संग्राम हो रहा है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा दें। नवीन श्रीवास्तव जी, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी, समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता, आप भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। विशाल राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। वीरेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ और हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में योगेश त्यागी और मनीष पांडे, जो कि जूनियर शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, वो भी जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या क्या दिक्कत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दोपहर वार और देखते हैं कि पेंशन पर इतना संग्राम क्यों हो रहा है। डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अपने सहयोगी वीरेंद्र सिंह का। वीरेंद्र जी, ये बड़ा पेचीदा मामला है और इतना आसान नहीं है इस पर कोई फैसला, जल्द से जल्द कोई फैसला लेना। लेकिन जो कमेटी सरकार ने बनाई है, वो कमेटी की रिपोर्ट अभी आने वाली है, उससे पहले ही फिर से 22 संगठन यहाँ लखनऊ में जुट गए हैं। तो इनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इसलिए कि ये एक कोई बहुत आसान मामला नहीं है, इसलिए कि इसमें बहुत बड़ा वित्त निहित है। रमन जी, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जहाँ पर लोगों के कल्याण की भावना के आधार पर सरकारें काम करती हैं। तो कल्याणकारी राज्यों में ये व्यवस्था रही कि जो लोग सरकारी सेवा में रिटायर होंगे, 60 साल के बाद जब शरीर कमजोर हो जाता है तो उनको आर्थिक रूप से सुरक्षा दी जाए। लेकिन 2004-05 में ऐसी स्थिति आई कि ये व्यवस्था बंद की गई। पुरानी पेंशन जाने से जो नए लोग नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए जीवन में जब रिटायर होंगे तो उसके बाद का जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। ये जरूर है कि सरकारी सेवा में बहुत कम प्रतिशत में लोग हैं अगर पूरी आबादी के हिसाब से देखा जाए, लेकिन एक आर्थिक सुरक्षा रहती थी। अब सबसे बड़ा दूसरा पेंशन पुरानी बहाल करने का कारण उसके पीछे ये भी है कि अगर इस देश में कोई आदमी विधायक, सांसद एक बार एक महीना रह जाता है तो वो पेंशन का हकदार है और कोई 60 साल नौकरी करे वो पेंशन का हकदार नहीं है। सरकारों पर आर्थिक बोझ चाहे जितना आए, इसका यह मतलब नहीं है कि लोगों की सुविधाएं बंद कर दी जाए। बिल्कुल ठीक बात है, जिस वक्त उसको पैसे की जरूरत होती है उस वक्त उसको नहीं मिलेगा और ये एक बड़ी चीज है। और एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न ये है कि 40 साल निष्ठा के साथ सेवा करने के बाद उसके जीविकोपार्जन के लिए बुढ़ापे में उसका कोई सहारा नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही कि एक बार विधायक बन जाइए, मिनिस्टर बन जाइए, सांसद बन जाइए और आपको जीवन भर पेंशन मिलेगी। रवीन श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे। नवीन जी, एक बड़ा जेन्युइन सा मामला है और इस पर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ संज्ञान लेना चाहिए, इसलिए कि देखिए कर्ज माफी आप लोगों ने की और अभी 3 राज्यों में उसमें से कई जगहों पे कांग्रेस ने कर्ज माफी की है किसानों की। तो कर्ज माफी अगर आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए, तो ये
अच्छी चीज नहीं होती है, सब्सिडी और कर्ज माफी ये अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वहां भी मानवीय हित आ जाता है। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं, खासतौर से राज्य कर्मचारी, उनका ये एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, तो इसके लिए सरकार कर क्या रही है? देखिए रमन जी, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर कुछ समय पहले जब उत्तर प्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको रिव्यू करने के लिए, इसमें को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाई है। चूँकि इसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता है, वित्त की, न्याय की, सारी उसको भी काम करा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए जब नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई तो उसके पीछे जो उद्देश्य थे, उसमें जब कर्मचारी संगठनों ने मांग की कि इसको इस तरह से परिवर्तित किया, इसमें हमको यही असुविधाएँ हो रही हैं, तो अभी कुछ समय पहले केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो 10% जो अपने तरफ से योगदान था गवर्नमेंट था, उसको 4% बढ़ा के 14% किया, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मांग यह थी कि वन टाइम 40% पैसा निकालने के लिए आप अधिकृत थे, लेकिन सरकार ने उसको भी मांग के अनुसार परिवर्तित करके 40% से 60% कर दिया। और सबसे बड़ी चीज रमन जी, ये बताना चाहूंगा कि जो 60% किया उसको इनकम टैक्स फ्री किया। आप पैसा 60% तक आप निकाल सकते हैं, बाकी पैसा SIP में जाएगा। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे निजी कार्यकर्ता हो, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लोग कहीं ना कहीं SIP में इन्वेस्टमेंट करते ही हैं। नहीं, लेकिन दूसरी चीज रमन जी बताना चाहूंगा, कस्टोडियन जी, जो आपत्ति आती है कि कस्टोडियन कौन है, देखिए इस पैसे के कस्टोडियन गवर्नमेंट की ही एजेंसियां हैं, जैसे निजी क्षेत्र की कोई एजेंसी नहीं है इसमें कि आपने किसी कोटक महिंद्रा में या कहीं बीमा कंपनी है, ठीक है, चलिए बीमा कंपनी है, तो उसमें भी सरकार ने आप ही कर्मचारियों को ही नियुक्त किया है आपके कस्टोडियन के रूप में। पहले जिस प्रकार की दिक्कतें आती थी आपकी पेंशन में, आपके GPF में विभिन्न प्रकार की बाधाएं थी, उन बाधाओं को दूर करने के लिए एक निर्णय लिया गया। लेकिन अभी भी मेरा यह मानना है, हमारी सरकार का यह मानना है, पार्टी का यह मानना है कि कर्मचारी यूनियनों की, संघों की जो मांग है जो उचित है, उस पर हम उसमें सुधार करेंगे। और इसीलिए केंद्र सरकार ने 2 सुधार किए और अभी उत्तर प्रदेश में भी कमेटी जो बनी है उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन पेंशन की जो डिमांड कर रहे हैं, इन लोगों का ये कहना है कि पेंशन उनके वेतन का बचा हुआ अंश है, वो खैरात नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनकी तनख्वाह से जो चीज कट रही है उसको शेयर मार्केट में क्यों लगाया जा रहा है। किसी भी विवाद की स्थिति में सरकार से, सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी उस समय नहीं होगी। जैसा आपने बताया कस्टोडियन है, ठीक है, लेकिन बीमा कंपनी से इनको लड़ना पड़ेगा। क्या क्या जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं? हमारे साथ योगेश त्यागी जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष हैं जूनियर शिक्षक संघ के और इस आंदोलन में शामिल हैं, और मनीष पांडे जो कि प्रवक्ता हैं जूनियर शिक्षक संघ के, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे आपका योगेश जी का। योगेश जी, आपकी डिमांड क्या है बताइए। मेरी डिमांड केवल सरकार से है कि हमें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, NPS पर हम कोई भी। आपके ऑब्जेक्शंस क्या क्या हैं ये बताइए, ओपनली बताइए। और जब कमेटी बना दी है सरकार ने, तो फिर आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? NPS स्वीकार ही नहीं है तो कोई ऑब्जेक्शन की बात ही नहीं। ऑब्जेक्शन सीधा है, जब कमेटी तो NPS में सुधार के लिए बनाई गई है और NPS हमें किसी भी स्थिति में स्वीकार ही नहीं है। पुरानी पेंशन के अलावा हमें कोई पेंशन स्वीकार ही नहीं है, तो ऑब्जेक्शन का प्रश्न ही नहीं है। नहीं तो बिना ऑब्जेक्शन के स्वीकार नहीं है। नहीं, आपको यह तो बताना पड़ेगा ना, आप चैनल पर बैठे जनता को बताइए, बताइए हमारा ऑब्जेक्शन मतलब क्या नुकसान सरकार को, क्यों इसको निरस्त करके आपकी पुरानी व्यवस्था बहाल कर, ये आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल, लोग जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, पुरानी पेंशन जो हम लोगों को अब तक मिलती रही 1 अप्रैल 2005 तक जी, उसमें हमको कोई भी पैसा नहीं लगाना पड़ता था, कोई भी धनराशि हमको नहीं देनी पड़ती थी। 10% हमारे फंड की कटौती होती थी, उस फंड की कटौती से हम जो हमारा पैसा जमा होता था, हमारे बच्चे की शादी हो या हमारी बीमारी हो या हमारी माँ की बीमारी हो या पिता की बीमारी हो, उस बीमारी के समय उस धनराशि को हम लोन के रूप में ले सकते थे और उस धनराशि को धीरे धीरे हम कटौती के रूप में अदा कर देते थे। ठीक बात। इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया इसके तहत, वो बाजार के अधीन नहीं, सारा पैसा बाजार में लगा दिया गया। हम बाजार के अधीन नहीं थे, हम सरकार के अधीन थे और हमारी हिस्सेदारी थी, हम सरकार से कुछ भी नहीं मांगा, हम तो देश की सकल आमदनी की जो हमारी हिस्सेदारी तो आप इस व्यवस्था को एक चीज बताएं आप जरा हमें जी कि जो 14% केंद्र सरकार ने उसमें अपना अंशदान अलग से आपको इंसेंटिव या जो भी समझ लीजिए जिस प्रकार दे रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा 10% कटता था वो GPF में जाता था, ठीक है, लेकिन आज सरकार
जो आपको जो पैसा जमा हो रहा है नई पेंशन स्कीम में, उस पर आपकी जो आज सैलरी है, अगर आपकी 30,000 रुपये सैलरी है तो उस पर 14% यानी 4,200 रुपये आपको एक्स्ट्रा गवर्नमेंट दे रही है ना? जी जी बिल्कुल, इस पर आपत्ति ये है जी कि आज जब हम रिटायर होंगे तो जो मेरी पेंशन जमा, जो धनराशि जमा है उसमें 14% जोड़ करके सरकार को हमको दे देगी, लेकिन जो हमको पेंशन मिलती थी उसमें एक लाभ ये है कि जो डीए बढ़ता रहा, सरकार रिटायरमेंट के बाद जिस 30,000 मेरी अगर फिक्स हुई तो मरते दम तक मुझको 30,000 ही मिलेगी, उसमें कोई चौनी की बढ़ोतरी अच्छा। नहीं होगी। और बिल्कुल ठीक बात है, सेवा नहीं मिलेगी, डीए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। साल में एक एक बार ये सब। मनीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे आज के तारीख में आपके सारे डीए सारी चीजें मिला के 30,000 रुपये आपको मिल रहा है, तो वो आजीवन रहेगा? नहीं, आपकी सैलरी जब बढ़ेगी 2-4 साल बाद आपकी वरिष्ठता बढ़ेगी, 30,000 के बजाय 60,000 होगा, तो क्या आज 30,000 पर ही आपको 14% मिलेगा कि जब 50,000 होगा? ये तो जो सेवा में है उसके लिए है ना, जो सेवानिवृत्त हो गया उसके लिए कहा? बिल्कुल सही, जो सेवानिवृत्त हो गया उस पर ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये एक जेन्युइन पॉइंट है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष पांडे जी, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे, ओपनली बोलिए जो आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है और क्या होना चाहिए, क्या सरकार कर सकती है। मैं बेसिकली तीन बातों पे आप सभी महानुभावों का ध्यान फोकस करूंगा। पहली बात, जो हमारी बेसिक आपत्तियां हैं एनपीएस को लेकर, वो हमारे जो ये पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, जो हमारे बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर में तीन पेंशन फंड मैनेजर हैं, पीएफआरडीएस को मैनेज कर रही है, लेकिन बेसिकली एलआईसी, एसबीआई एंड यूटीआई इसको मैनेज करेगी जी। जो पेंशन फंड्स हैं हमारे, हमको 60% अमाउंट मिल जाएगा और 40% हमारा एन्युटी में जाएगा, और एन्युटी हमारी टैक्सेबल है जी। अगर हम इन पेंशन फंड मैनेजर की आज की रिपोर्ट हम देखें तो इस आज की रिपोर्ट में ये जो आपका पीएफआरडीए, जो कभी कहा जाता है कि जाके कभी बढ़िया फंड मैनेजर बनेगा, आज की डेट में इसका जो रिटर्न जा रहा है वो 6% जा रहा है। और आप इन्फ्लेशन को अगर गौर करें आज की डेट में क्या है और आगे होने वाले टाइम में क्या होगा, तो क्या ये एक ऐसे एम्प्लाई को जो रिटायर होने के बाद जिसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो कोई दूसरा काम कर सके, उस 6% की ग्रोथ के सहारे क्या वो जी पाएगा? मेरा पहला पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात। मेरा दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये जो फंड मैनेजर्स हैं, हमारी बेसिक लड़ाई, पहले हम सरकार के एम्प्लाई हैं, 60 साल की उम्र में हमारे पास दो चीज़ें जा चुकी होंगी, एक तो हमारी पूरी एनर्जी जा चुकी होगी सरकार की सेवा में, और दूसरे हमारे बच्चे अपनी जगह सेटल हो चुके होंगे, मतलब हमको चाहिए होगा उस समय एक ऐसा सहारा जिसके सहारे हमको लोग जीवन यापन हमारा कराने में मदद कर सकें, और वो उस समय हमें इन तीन पेंशन कंपनीज से लड़के लेना होगा अगर कोई भी दिक्कत आती है। और अगर तीन पेंशन कंपनीज के सामने हम लड़ने की स्थिति में ना हुए तो हम क्या वकालत और कोर्ट के चक्कर काट काट के अपने जीवन को, जो 80 साल चलने वाला था पेंशन के सहारे, वो 65 साल में मुझे लगता है कि हम लोग फेडअप होके या तो आत्महत्या कर लेंगे या किसी तरीके से जीवन यापन करेंगे, तो आप समझ ही सकते हैं। और तीसरा और लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि एनपीएस की कटौती में वास्तविक तथ्य ये है कि आज भी हमारी गवर्नमेंट विभिन्न सेक्टर्स को लेकर, अगर मैं केवल एनपीएस की बात करूँ, यद्यपि हमें एनपीएस मंजूरी नहीं है आज की डेट में, आज की डेट में भी बहुत सारे फर्म्स हैं जिनके अंदर, हम पूरे शिक्षकों की बात करें अगर, अभी तक कटौती ही नहीं चालू हो पाई है। अगर इतनी डॉर्मेंसी अभी कटौती को लेकर है तो आगे जाके वो कितनी, हम कितना कैजुअल अप्रोच के साथ हमारी गवर्नमेंट बात करेगी। बहुत जेन्युइन पॉइंट है। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ ये वकील भी है। कपीश जी, ये टेक्निकलिटीज जो बता रहे हैं मनीष पांडे और जो भी शिक्षक संघ के नेता हैं, ये इनका कंसर्न जेन्युइन है, तो सरकार क्यों नहीं कोई बीच का रास्ता निकालती है? नहीं, देखिए, सबसे पहले वक्त तो हमको ये कहना पड़ेगा और हमें देखना चाहिए कि भारत का जो संविधान है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ बनाया गया है, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी की 2004 की अटल बिहारी की सरकार ने पूरी तरीके से खेलने का काम किया। और कोई नई चीज़ ये हमारे पेंशन, पुराने हमारे कर्मचारी सरकारी नहीं मांग रहे, अपने 30-35 साल जो जवानी के दिनों के वो अब एक भारत सरकार की नौकरी में देते हैं, उसके एवज में अपनी बढ़ोतरी के को चलाने के लिए वो अपना अंश मांग रहे हैं, उन्हीं का कमाया हुआ वो अंश है, कोई सरकार को अपने अलग से नहीं देना है। और सरकार ने क्या किया, इन्होंने वर्ल्ड बैंक के स्कीम में आकर इनको क्यों मिलती है, पीछे क्या लॉजिक है, क्यों दिया जाता है, इसकी क्या जरूरत है, इसके पीछे भी लॉजिक पता नहीं। विशाल राजपूत, आपका रिएक्शन जी। जहां तक पुरानी पेंशन को लेकर जो अभी तक प्रदर्शन चल रहे हैं,
तो पहली बात है कांग्रेस पार्टी का अपना खुद का स्टैंड है कि हम लोग पुरानी पेंशन के साथ हैं, और दूसरी बात अभी कैग की भी जब रिपोर्ट आई थी धोखाधड़ी की, उसमें 900 करोड़ रुपया कर्मचारियों, अरे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, तो आपने क्यों नहीं किया? 900 करोड़ रुपया सरकार का टोटल 1800 करोड़ रुपया, इसके बारे में भी कुछ सरकार जवाब देने में के लिए सक्षम नहीं है। हमारा कहने का मतलब है जो कर्मचारी 35 से 40 साल अपना जो सरकार को देता है और वो 60 साल की स्थिति में ऐसी जगह खड़ा हो जाता है कि वो उसको अपने घर के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, दिन पर दिन जो महंगाई बढ़ रही, बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में राज्य में पहले तो आपकी सरकार थी ना, रमन जी आप लोगों ने क्या किया? अरे कहा गया पड़ी है आदित्यनाथ जी और बड़ा दुर्भाग्य है, और केशव जी वीरेंद्र जी बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे विषय पर, गंभीर विषय पर इस प्रकार के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए कि किसकी। देखिए मांग अगर जेन्युइन है तो उस पर कोई भी संवेदनशील सरकार को निर्णय लेना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस की गठित सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकारें नहीं थी, हमारी सरकार बनी और आपकी मांग पर कमेटी का गठन भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर सुधार करने में विश्वास रखती है, कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उस पर निश्चित रूप से सहानुभूति। नवीन जी को एक बात, ये दूसरी चीज कहने की बात, आप पहले ये स्पष्ट कर दीजिए आप इनके साथ कंधे से मिलाकर कंधा खड़े हैं कि नहीं, क्योंकि उनसे ये पुरानी पेंशन छीनने का भी काम आपने किया है। आप 5 साल सरकार चला ली, आपने कमेटी तक नहीं गठित की, कृपया आप इसको बोलने का अधिकार ही नहीं है। जब जब कर्मचारी आपकी 5 साल सरकार रही, आप बताइए कि आपने कमेटी कहा था कि पुरानी पेंशन स्कीम को आप बताइए ना, आप बाजार में इतना लाभ कमाएगी कि पुरानी पेंशन स्कीम से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। अभी उसके अभी देख रेख से हो रही थी, अभी तो कर्मचारी भी ये आकलन कर रहे थे कि हमारे लिए पुरानी पेंशन बेहतर होगी या नई पेंशन बेहतर होगी। आज के डेट में आप बताइए, आपको दो कमी को छिपाइए, कमेटी 2 महीने के लिए करने की क्या आवश्यकता है, जहां तो मांग केवल पुरानी पेंशन की हुई थी। अभी त्रिपुरा के अंदर आपकी नई गठित सरकार हुई है, उसने सबसे पहला काम त्रिपुरा के अंदर यही किया, पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करके और नई पेंशन स्कीम के हवाले यानी कि बाजार के हवाले बढ़ोतरी को सौंप देने का काम किया। एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक मिनट मौका दीजिए, दोनों लोगों के लिए कहना है। जी हां आप बोलिए। देखिए पांडे जी, इस पर बहुत गंभीरता से, एक मिनट मेरी बात सुनिए, गंभीरता से देखिए, निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों कि जो मांग है उस पर विचार भी हो रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी समय समय पर इसको उठाया है, और जब हमारी सरकार है तो निश्चित रूप से इसमें जो चीज़ सही हो सकती है वो हम करेंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा रमन जी, कि देश में सरकारी कर्म जितने लोग सर्विस सेक्टर में हैं उसमें मुझको लगता है कि सरकारी नौकरियों में लोगों की संख्या 25% से भी कम प्रतिशत में होगी। लेकिन आप देखिए जो तर्क आ सकते हैं आपके विपक्ष की, मैं बता रहा हूँ कि जो निजी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है, और वह भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं या इसमें है, इसमें पैसे का निवेश करते हैं ताकि 60 साल के बाद, नहीं उनकी अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा की बात नहीं है, एक सरकार की बराबरी आप ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिसमें आपकी जाए, और इसीलिए हमारी सरकार ने अभी जो बात हुई 14-10 देखिए जो मांगे थी उसमें प्रथम दृष्टया जो चीजें थी 10 से 14% हमने किया, उसको इनकम टैक्स से फ्री किया, बाजार के हवाले किया और सरकारी फंड मैनेजरों के अंदर किया गया। एक सवाल पूछना चाहूंगा मनीष पांडे से, मनीष पांडे से एक सवाल पूछना चाहूंगा, मनीष पांडे पुरानी पेंशन की, मनीष पांडे और योगेश त्यागी सुनिए, मनीष पांडे जी योगेश त्यागी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो भी जिनके हवाले ये पेंशन होगी, अगर मान लीजिए एलआईसी ऑफ इंडिया के हवाले है या इस तरह की किसी कॉर्पोरेशन का हवाले है जो इंश्योरेंस का काम करते हैं या जो इस तरह का काम करते हैं, देखिए अगर क्लेम रेट के हिसाब से देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए, तो एलआईसी ऑफ इंडिया का परसेंटेज अच्छा है इन कंपैरिजन ऑफ जो दूसरी जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं। लेकिन यहां फिर वही सवाल उठता है, यही सवाल खड़ा होता है कि कोई भी आदमी 60 साल नौकरी करने के बाद एलआईसी के दरवाजे पे क्यों घूमेगा अपनी पेंशन के लिए? पांडे जी ये एक बड़ा सवाल है। जी पांडे जी, हम शिक्षक हैं और हमारा एक बल्क में सेवानिवृत्ति मेरी होती है 31 मार्च को। जी शेयर मार्केट में मेरा पैसा लगा हुआ है, और क्या भरोसा है सरकार का? जून में होती है मुझे लगता है, जून नहीं, में होती 31 मार्च 17 लाख मिलता है, नहीं मिला है 31 मार्च में। अच्छा। पहले 30 जून थी, अब 31 मार्च हो गई। अच्छा अच्छा। और तो जब मैं 31 मार्च को सेवानिवृत्त होऊंगा, कंपनी आप लोगों के हवाले है, सरकार के हवाले है, वो 31 मार्च के लास्ट टाइम जब मेरी पेंशन फिक्स होने का समय होगा उस समय शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा, और जैसा कि अभी हुआ जो हमारे 400 कर्मचारी रिटायर हुए, शिक्षक रिटायर हुए हैं इसी पुरानी नई पेंशन स्कीम के तहत,
उनमें ऐसे भी लोग हैं जिनको 700 रुपए नहीं, कब से रिटायर होने वाले लोग नई पेंशन के तहत कवर किए जा रहे हैं? पिछले वर्ष से, पिछले साल से जी। और उसमें सबसे कम 700 रुपए पेंशन बनी है। अब आप विचार करिए कि 700 रुपए जिसको पेंशन एक महीने की मिलेगी, उसका जीवन यापन कैसे हो? नहीं, 700 कैसे बनी, इसको समझाइए। पांडे जी, दो बातों पे आपका ध्यान और जी 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 बोलिए मनीष पांडे जी। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि 700 रुपए जो पेंशन बने, मैं जरा इसको एक मिनट ब्रीफ में कह दूं आपसे जी। कोई जरूरी नहीं किसी का जीवन जीवन पर्यंत वो जिए, कोई जरूरी नहीं वो 60 साल तक जी पाए। बहुत से हमारे ऐसे एम्प्लॉई हैं जो 38 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में दिवंगत हो जाए, या कोई भी आजकल कैजुअलिटी हो जाती है कई बार। हम पेंशन तब पाएंगे जब हम पेंशन इन्वेस्ट करेंगे। पहले हम पहले एक अमाउंट लंबा सा इन्वेस्ट करेंगे और उसके एवज में हमको सरकार, जैसे एक प्राइवेट कंपनी होती है, लाभ कमाकर लाभ कमवाकर पेंशन देगी। बिल्कुल। यदि मेरी मृत्यु आज, मैं 37 साल का हूँ, यदि मेरी मृत्यु आज हो जाती है तो आज की डेट में मेरी पेंशन, अगर मैं आज मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो मेरी तो पहले कटौती ही नहीं चालू हुई। अगर कटौती हो भी रही थी तो 698 रुपये में पाता और मेरा परिवार 698 रुपये में अपने जीवन को जीवन। ये बहुत बड़ा नवीन जी, ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है। मुझे लगता है कि इस पे कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर सेवा के दौरान कंपनसेशन नौकरी नहीं है क्या? सेवा के दौरान कंपनसेशन नौकरी, वो एक इशू है, वो एक अलग इशू है। देखिए, मृतक आश्रित की नौकरी एक अलग इशू है, लेकिन सेवा के दौरान पुरानी पेंशन योजना में, पुरानी पेंशन योजना में अगर कोई मरता था तो उसके बाद जो जी देखिए, मृतक आश्रित में जो नौकरी दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है परिवार के भरण पोषण के लिए। आप इसको बिल्कुल अलग के आधार पे, अलग अनुकंपा क्या होती है? अनुकंपा क्यों दी जाती है? परिवार के जीवन यापन के लिए अधिकार, आप उसको एकदम से माइनस नहीं कर देंगे? सरकार में है क्या ये? एक अनुकंपा सरकारी क्षेत्र में ही है, ये निजी क्षेत्र में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उसके हितों की रक्षा के लिए, उसके परिवार के हितों की रक्षा के लिए ये चीज है। तो अनुकंपा इसीलिए है उसके परिवार की देखभाल के लिए, किसी का सामाजिक मृत्यु हो जाए उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, और इसलिए है। क्या वो उपहार है? क्या वो उपहार है? क्या वो अनुकंपा के आधार पर इसीलिए है किसी कर्मचारी की निधन हो जाए कि वो उसके परिवार की देखरेख के लिए, जो किसी निजी क्षेत्र में, वो किसी निजी क्षेत्र में नहीं है, सरकारी क्षेत्र में आपको इसीलिए प्रिविलेज मिलता है। एक इसमें बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम आती है, सुनिए एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही किसी व्यक्ति की दुर्घटनावश या किसी हादसे में मौत हो जाती है या कैसे, अनुकंपा के आधार पे उसके घर में किसी बच्चे को नौकरी मिल जाती है, अगर उसके बच्चे उस लायक हैं या बड़े हो गए हैं तो। अब वहां मामला फंसता है। मामला क्या फंसता है कि अगर बच्चे नहीं हैं या छोटे हैं, नाबालिग हैं, तब तो वाइफ को नौकरी मिल गई। अगर बच्चे बड़े हैं, उनमें से जिस बच्चे को मिल गई, उसके बाद उसकी जो बेवा होती है, जो विधवा होती है, वहां पे मामला फंसता आके, इसलिए कि बच्चे जैसे ही नौकरी पाते हैं 2-4 साल में अपना उनका सेटअप अलग होने लगता है। अब वहां पे उसके लिए जीवन आश्रय का कोई ठिकाना नहीं रह जाता है, वो सारी अनुकंपा वाली चीज बोले गया। तो इसलिए पेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। वीरेन जी, पांडे जी, इसमें एक और चीज है, जैसे अनुकंपा की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, अगर हमारा बच्चा बालिग नहीं है, छोटा है, और अगर 5 वर्ष तक वो सेवा नौकरी नहीं लेता है तो उसको पेंशन तो गई ही, उसका नौकरी भी चली, क्लेम खत्म हो जाएगा उसका। और साथ में अभी वीरेन सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस के लिए कि ये भी जिम्मेदार, बिल्कुल वीरेन सिंह जी की बात बिल्कुल सत्य है। खत्म करने का काम इन्होंने किया, भाजपा ने किया, इन्होंने 2013 में, कांग्रेस ने 2013 में कानून ला करके उसको कानून बना दिया, जड़ से खत्म कर दिया बिल्कुल। रमन जी देखिए, ये जो चिट्ठी आपने, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय ने, इंटरप्ट करना चाहूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन दिए जाने का एक निर्णय लिया था, उसके बाद भी विधेयक के जरिए इसका विरोध किया गया, तो कुल मिला जुला के इसका कोई वे आउट निकालना चाहिए। वीरेन जी, रमन जी, दुर्भाग्य ये है कि सरकारें जनता की भावनाओं को या कर्मचारियों की भावनाओं को नहीं सुन रही हैं। इतने बड़े देश में ऐसी पैटर्न लागू किया जा रहा है, ये देश इस तरह का नहीं है। यहाँ पर बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा की जरूरत होती है जो सेवानिवृत्ति के बाद, और तमाम सारी चीजों की, क्योंकि आपने तमाम उदाहरण देखे होंगे कि बाल बच्चे बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, पीटते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। बिल्कुल सही। लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, इन्होंने दोनों ने कर्मचारियों को उल्लू बनाया। जब योगी जी को वोट लेना था तो चिट्ठी लिख दी कि मनमोहन जी को कि भाई आप पैसा हो, इनका पेंशन बहाल कर दो। आज मोदी जी की सरकार है, लेकिन वो चिट्ठी जो है, योगी जी ने इस पर कमेटी भी गठित की, उसके रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं आप सारे लोगों को। अरे केंद्र में आपकी सरकार,
के अंदर जब आपकी सरकार बनी तो आपने तीसरे दिन पेंशन पुरानी खत्म करके आपने नए पेंशन के हवाले त्रिपुरा की जनता को क्यों कर दिया? श्रीवास्तव जी बताइए, नहीं लिखी पुरानी पेंशन? योगी जी ने कहा है कांग्रेस गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा है कि इनको पुरानी पेंशन दी जाए, तो कमेटी किस बात की? रमन जी प्रदेश का मुखिया आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जो 21/5/2013 को एक संसद सदस्य के तौर पे योगी जी ने लिखा था, उन्होंने लिखा था उसमें, उस पत्र में लिखा हुआ है कि मैं 2011 में किए गए प्रावधानों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जिसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन, ग्रेड वेतन व महंगाई भत्ते के योग का 10% हिस्सा कर्मचारी के मासिक वेतन से काटकर उतनी ही धनराशि सरकार द्वारा जमा किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि को फंड मैनेजर्स के माध्यम से शेयर बाजार में लगाया जाएगा। फिर लिखा है इन्होंने, आप सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव से भली भांति परिचित हैं। नई पेंशन व्यवस्था द्वारा कर्मचारी को सेवा काल के दौरान धन निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है तथा सेवानिवृत्ति पर उसे क्या रिटर्न मिलेगा ये बाजार पर निर्भर है। सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी ले ली जा रही है, इससे कर्मचारियों में रोष है, धरना प्रदर्शन हड़ताल कर रहा था। आपसे अनुरोध है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू रखी जाए। मुख्यमंत्री जी तो मेरा कहना है, मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं तो उसको करना चाहिए, उसको इसलिए देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते लोग, उन्होंने कमेटी बनाई है। देखिए आप लोग से क्या बात हुई ये नहीं पता है मुझे, लेकिन कमेटी बनाई है तो कुछ ना कुछ होगा। आप लोग खुद ही बताइए, योगेश त्यागी जी, मनीष पांडे जी, रमन जी, कमेटी बनाई है, काम तो यही नहीं थी जो कमेटी बनाई सरकार पौने 5 साल का ही नहीं है। पुरानी पेंशन नीति तो शुरू से लागू है, आप उसको लागू कर दिए, उसमें कमेटी बनाने का है, कमेटी के तो दांव पेट में इन्हें फंसाया गया है। अच्छा, नेताओं के साथ खेला गया है, हमारे पास वक्त की कमी है, नहीं किए कर्मचारी संघ के भी नेता जो थे वो किस तरीके से खेल गए ये समझ में नहीं आया। आखिर क्यों वो 2 महीने की कमेटी की मांग योगी जी की मानी? निश्चित रूप से अधिकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी। चलिए हमारे पास वक्त की कमी है, योगेश त्यागी जी और मनीष पांडे जी एक लाइन में बताइए कि आप लोगों को कोई क्लियर करने प्रवचन ज्ञान नहीं, हम तो हमारा काम है आप सरकार में आईना दिखाना, आप सरकार में हैं, आपको हमने आईना दिखाया है, हम प्रवचन करने के लिए नहीं बैठे। जो भी राजनीतिक दल है वो प्रवचन नहीं करते हैं माननीय मित्र। अभी तक सरकार ने ना ही कोई आश्वासन दिया है और ना ही, चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नवीन श्रीवास्तव जी, विशाल राजपूत जी, योगेश त्यागी जी, मनीष पांडे जी, वीरेंद्र सिंह जी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर इनकी समस्या जो कि जेन्युइन समस्या है उसको नहीं सुना जा रहा, तमाम कंट्रीज ऐसे हैं फॉरेन में जहां पे जन्म के बाद से ही उनके बुढ़ापे तक उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर का, उनके तमाम चीज़ों का, एजुकेशन का, ये स्टेट बियर करता है, ये सरकार बियर करती है, यहाँ पे वो सुविधा नहीं है। लेकिन कम से कम पेंशन के सहारे अपना बुढ़ापा बिताते थे लोग, अब ये इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन है। लेकिन कमेटी बनी है, कुछ न कुछ होगा और कुछ न कुछ होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार चाहे तो नहीं कर सकती है, त्रिपुरा में किया है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, नमस्कार।